नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं महाशिवरात्रि के ऊपर, और आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो आपको अचरज में डाल देगी। भगवान शिव को बिल्व पत्र क्यों है इतना प्रिय, तो इसी के ऊपर आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रश्न हो जाते हैं, फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिलव पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिलव पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा हो रही है कि आपको बिलव पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिवजी बोले, हे शिवे, बिलव के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी तीन पत्ते त्रिगवेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। सखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिलव वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप हैं। स्वयं मां लक्ष्मी ने सैल पर्वत पर बिलव वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिलव वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलत मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रिष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उद्रव में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इसी तरह उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की, उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो इच्छा है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है, वाग देवी के प्रति तो उनका श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रश्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिय उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अति से भक्ति से भरकर यत पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिलव इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिलव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिलव वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्व देवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिलव पत्र, बिलव फूल, बिलव वृक्ष अथवा बिलव काष्ठ के चंदन से जो मेरे पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिलव वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिलव पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिलव मूल में प्रमाण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होता है।
तो दोस्तों आज मैंने आप सभी को बताया भगवान शिव को बिलव पत्र क्यों इतना प्रिय है। तो ये कथा सुनकर आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।